जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्ध जनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम विचार कर रहे हैं कि एकादश भाव में राहु का क्या प्रभाव होगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि छठे भाव में राहु के लगभग अच्छे फल होते हैं, उसी तरीके से एकादश भाव में भी राहु के लगभग अच्छे फल होते हैं। राजातक के जीवन के अरिष्टों को कम करते हैं, दुखों को कम करते हैं, तो इसलिए शारीरिक रूप से वो हृष्ट पुष्ट होंगे, दीर्घायु होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विलासी होते हैं और कभी हृदय वाले भी हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, धनवान होते हैं और विभिन्न भोगों को भोगने वाले होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं और देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव लगते हैं और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। इलेवेंथ हाउस में राहु अगर अच्छे हों तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, विद्वान भी होगा, स्वभाव से विनोदी एवं चंचल होगा। आप जिस समाज में रहेंगे उस समाज के अग्रणी होंगे, आप बड़े स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, यशस्वी व्यक्ति बनेंगे, आपकी मित्रता चतुर व्यक्तियों के साथ होगी, जीवन काल में अनेक प्रकार के लाभ कमाएंगे। और ऐसे यहाँ पर जितने जो जातक होते हैं इनमें से बहुत लोग विदेशों से धन अर्जन करते हैं, इसलिए जब हम विदेशों का गुण देखते हैं और उस अगर एकादश भाव में राहु है तो उनकी हम दशा देख लेते हैं और लगभग जिनके राहु एकादश भाव में अच्छे हैं उनकी विदेश यात्रा और विदेश से धनोपार्जन का गुण देखा गया है। बस समस्या यह है कि अगर राहु खराब हो गए तो वहाँ पर आप कुछ अभिमानी हो सकते हैं, कुछ बेकार के विवाद में पड़कर अपनी ऊर्जा व्यय कर सकते हैं। और उनके ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि धोखाधड़ी से, चीटिंग से धन नहीं कमाना चाहिए, अन्यथा संतान से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर एकादश भाव में राहु हैं सत्कर्म कीजिए और राजा का जीवन व्यतीत कीजिए, कुछ लोग इसमें से विदेश यात्रा भी कर लेंगे। तो इस तरीके से एकादश भाव में राहु के अच्छे फल दिखे गए हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।